जितने भी गाड़ी चालक के जो हैं वो भी जो जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं तक उनकी गाड़ी जो है ये धीमी रफ्तार में हो जा रही है और सड़क जो है काफ़ी ख़राब ये नज़र आ रहा है और काफ़ी परेशानियां भी लोग हो रही है, लोग जब जाते हैं यहाँ पर इस सड़क से। और ये सड़क जो है कहीं ना कहीं तक दो जिले को जोड़ता है, रोहतास और भोजपुर, थोड़ा सा लिपा पोती करके रोड बना दिए, लेकिन बाद में फिर यही थोड़ा सा बरसात हुआ, रोड का दशा यह है कि चलने फिरने में यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं खाली वाल्मीकि नगर और राजगीर के बारे में सोचते हैं, नालंदा के बारे में सोचते हैं, कभी अगर सोचा होता तो शाहबाद आज तरक्की की ओर रहता। हम लोग का एक रास्ता है आंदोलन, हम लोग तो किसी के पास जाकर लाठी चलाएंगे नहीं। आंदोलन मुख्यमंत्री बिहार सरकार से आग्रह करते हैं, साथ ही यहाँ के स्थानीय सांसद महोदय श्री आर के सिंह से गुजारिश करते हैं हम लोग कि जितना जल्दी हो सके इस रोड को दुरुस्त किया, पैचअप किया जा रहा है, मोरंग डालकर इसको लोग भर दे रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं गिर भी जा रहे हैं, चोटिल भी हो जा रहे हैं, चोटिल भी हो जा रहे हैं। हसन बाजार की जो रोड है थाना के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ रोड गड्ढा में तब्दील हो गया है और हम लोगों ने बार बार दशहरा के समय भी हम लोगों ने कहा था। तो बात सही है कि यहाँ की स्टेट हाईवे की प्लानिंग जो है वो बहुत जल्दी हो रही है, इसलिए हम डबल इंजन की सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस अतिक्रमण को हटा दे, साथ साथ यहाँ के रोड को यहाँ की रोज मतलब छोटा मोटी मतलब की घटना हो जाती है, हादसा हो जाती है, ऐसे है। और बालू की गाड़ी लगातार यहाँ से जा रही और रोड के दोनों किनारे इतना अतिक्रमण है कि पैदल लोगों को आने जाने में काफ़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह, इस वक्त हम भोजपुर ज़िले के हसन बाज़ार में हैं। यहाँ दोस्तों कई वर्षों से तो मांग आ रहा है भोजपुर ज़िले के जो हसन बाज़ार है इसको प्रखंड बनाने के लिए, कई सालों से जो है मांग चलते आ रहा है, लेकिन हालांकि देखना है आपको बता देना चाहते हैं जो हसन बाज़ार है ये यहाँ पर जो है लगभग 6-7 जो है पंचायत जो है लोग आते हैं यहाँ पर बाज़ार करने के लिए और स्टेट हाईवे जो है गुजरता है, स्टेट हाईवे का जो है स्थिति जो है कहीं ना कहीं तक जो है दयनीय हो चुका है। इसके लिए हम लोग बात करने के लिए काफ़ी हसन बाज़ार के जो लोग रहने वाले हैं और आसपास के जो लोग हैं बाज़ार में जो आए हुए हैं सामान खरीदने के लिए, उनसे हम बात करेंगे क्या सोच रखते हैं जो है इस पर जो है रोड जो है ख़राब हुआ है। सबसे पहले स्वागत है आपके न्यूज़ प्रसिमित लाइव को भी स्वागत है। प्रमोद कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ भोजपुर। आज लगभग कई महीना से हसन बाज़ार की जो रोड है थाना के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ रोड गड्ढा में तब्दील हो गया है और हम लोगों ने बार बार दशहरा के समय भी हम लोगों ने कहा था, यहाँ के जेई जो हैं SDO से हमने बात किया तो आकर यहाँ पर थोड़ा सा लिपा पोती करके रोड बना दिए, लेकिन बाद में फिर यही थोड़ा सा बरसात हुआ, रोड का दशा यह है कि चलने फिरने में यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। एक साल पूर्व में भी हम यहाँ पर दिखाए थे जब बरसात हो रहा था तो पानी ही पूरा लगा हुआ था सड़क पर भी। हाँ, तो उसके बाद रोड बंद नहीं रहा है, यहाँ पर केवल पैचअप किया जा रहा है, मोरंग डालकर इसको लोग भर दे रहे हैं और जब बरसात हो जाती है यहाँ पर आज के समय में कब बरसात होगी इसका तो कोई भरोसा है नहीं, कब कोई भरोसा नहीं है कि कब। पहले होता था कि जेठ बैसाख में फागुन में बरसात नहीं पड़ेगा, जाड़ा कब पड़ेगा, बरसात कब होगा, ये सब का सीजन बना हुआ था, लेकिन आज के मौसम में कब बारिश आ जाएगी किसी को पता नहीं है, खुद मौसम वैज्ञानिक लोगों को भी पता नहीं है कि कब मौसम खराब होगा। उस स्थिति में हसन बाज़ार में लोगों को चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, ऐसे है। और बालू की गाड़ी लगातार यहाँ से जा रही और रोड के दोनों किनार इतना अतिक्रमण है कि पैदल लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है, इसलिए हम डबल इंजन की सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस अतिक्रमण को हटा दे, साथ साथ यहाँ के रोड को दुरुस्त किया जाए, नहीं तो बाद होकर हम लोगों को आंदोलन के रास्ते पर उतरना पड़ेगा, इसकी सारी जवाबदेही डबल इंजन की सरकार होगी। सरकार जो यहाँ का समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है, आप देख लीजिए, आप तो रोड का दशा देख लीजिए क्या रोड की दशा है यहाँ पर, अगर आज पानी हो जाए ना तो कोई को पैदल चलना दुर्लभ हो जाएगा। कितने दिन पहले ये रोड बना हुआ था?
रोड तो बनने बहुत पहले बना था। बारे में हम लोग उतना तो हम इंजीनियर हैं नहीं कि हम लोग रोड कैसे बनता है नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ बार बार रोड यहीं पर ख़राब हो रही है। थाना के थोड़ा सा उत्तर और थाना के दक्षिण यहीं पर रोड बराबर ख़राब हो रही है। और ये हसन बाज़ार जो है 7 पंचायत का मुख्य बाज़ार है, और बार बार हम लोगों ने यहाँ के जो इस SH विभाग के ओवरसियर है, SDO है, उन लोग से बार बार आग्रह करने के बावजूद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। जी बिल्कुल, देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं हसन बाज़ार में, जो कि भोजपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। जी हाँ दोस्तों, हम उस जगह पर हम खड़े हुए हैं जहाँ से लगभग 10 कदम थाने की दूरी होगा, और जहाँ थाना जो है हसन बाज़ार ठीक वहाँ पर जो जितने भी स्टेट हाईवे जो सड़कें जो गुजरती हैं थाना के बगल में, तो जितने सड़कें जो है लगभग मैक्सिमम जो है ख़राब दिखती नज़र आती हैं, और कहीं ना कहीं जो है समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो क्या इससे क्या कहना चाहेंगे आगे आने वाले समय में, किससे मांग करेंगे रोड बनाने के लिए? हम तो भाई जो इस विभाग के मंत्री हैं उनसे मांग करते हैं, डबल इंजन की सरकार के मुखिया से मांग करते हैं कि सड़क को जल्द से जल्द बनाकर, ताकि लोग यहाँ पर आने जाने में जो लोगों को कठिनाई होती है उसे निजात पाए। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बहुत सारा हम सड़क बना दिए हैं, आप कह रहे हैं कि खराब। तो देख लीजिए ना भाई, अब नीतीश जी कहते हैं, और अब धरातल पर देख लीजिए, धरातल पर देख लीजिए कि नीतीश जी सच बोल रहे हैं कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, जनता झूठ बोल रही है कि नीतीश जी सच बोल रहे हैं, ये तो देखने की चीज़ है। सांच को आज क्या है, लगभग 8 से 10 पंचायतों के लोग यहाँ पर आते हैं बाजार करने के लिए। 8-10 पंचायत भोजपुर और रोहतास, भोजपुर और रोहतास के साथ साथ दोनों जिला का ये बॉर्डर भी है, और दोनों जिला का बाजार है यहाँ पर। कम से कम यहाँ हसन बाजार में लगभग 3-4 प्रखंड जो हैं, 3-4 जो प्रखंड हैं इस बाजार से लोग यहाँ पर लाभान्वित होते हैं। दावत प्रखंड भी है, दावत प्रखंड है, सूर्यपुरा प्रखंड है, विक्रमगंज प्रखंड है, तराढ़ी प्रखंड है, और पीरो प्रखंड, 5 प्रखंड है। 5 प्रखंडों के लोग यहाँ पर आते हैं बाजार, यहाँ पर आते हैं 3 लोकसभा क्षेत्र के लोग आते हैं। दिक्कत है, परेशानी है? परेशानी से तो हम लोग तो बहुत हैं। पहला यह है कि रोज मतलब कि छोटा मोटी मतलब कि घटना हो जाती है, हत्या हो जाती है, इससे भी गाड़ी चालक के जो हैं वो भी जो जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं तक उनकी गाड़ी जो है ये धीमी रफ्तार में हो जा रही है, और सड़क जो है काफ़ी ख़राब ये नज़र आ रहा है, और काफ़ी परेशानियां भी लोग हो रही है, लोग जब जाते हैं यहाँ पर इस सड़क से। और ये सड़क जो है कहीं ना कहीं तक 2 जिले को जोड़ता है, रोहतास और भोजपुर ज़िले को, और बड़ी बड़ी वाहन के कारण लोगों का ये कहना है कि बालू लदे ट्रक भी इसी रोड से आते हैं, गुजरते हैं, उसी की वजह से जो है रोड भी ख़राब हो जाता है। हालांकि जो है रोड ख़राब तो अलग बात हो गई, लेकिन रोड ख़राब होने के बाद बनाया भी नहीं जाता है। और भी जो लोग हैं उनसे हम लोग बात करेंगे, क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं, जो समस्या आप लोग हैं। समस्या ही समस्या है हसन बाज़ार के बारे में अगर पूछा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं खाली वाल्मीकि नगर और राजगीर के बारे में सोचते हैं, नालंदा के बारे में सोचते हैं। कभी अगर सोचा होता तो शाहबाद आज तरक्की की ओर रहता, तो अगर शाहबाद अगर तरक्की किया है तो ये लालू यादव का देन है, क्योंकि आरा डेयरी, मेंटल हॉस्पिटल और आरा में विश्वविद्यालय जो भी है कार्य किया गया है शाहबाद में, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का देन है। यहाँ देख लीजिए रेलवे लाइन जो हुआ आरा सासाराम का, ये भी लालू यादव का देन है। यहाँ भी आज तक जितने सड़कें अभी सही नहीं है यहाँ के, इस पर राष्ट्रीय जनता दल क्या कर सकती है भाई? यहाँ की जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, नीतीश कुमार से ना उपेक्षा कर सकती है, लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ नालंदा और राजगीर और नवादा के बारे में सोचते हैं। ये तो बात सही है कि यहाँ की स्टेट हाईवे की प्लानिंग जो है वो बहुत जर्जर है। हमारे प्रमोद जी ने जो कहा बहुत अच्छा कहा, ये नेताजी तो मान लीजिए कुछ भी कहे उसका कोई बात नहीं है, हमारा कोई भी नेता हो हमें राह रास्ता और आवास पानी चाहिए। हाँ, अब मान लीजिए यहाँ रोड पर चल रहे हैं, कीचड़ से हमारी कपड़ा लेट जा रही है, ये किसका देन है? ये तो नीतीश सरकार की है। आज से चाहे भाजपा में मिलकर सरकार बनावे या राजद में मिलकर बनावे, CM तो वही रहे, लेकिन हमारे हसन बाजार की दृष्टि क्या रही इसके बारे में नहीं देख सकते हैं। तो ये भाई जी जो कहे ना कि अगले बार चाहे है, और दो जिला को ये स्टेट हाईवे जोड़ता है, तो ये गड्ढा हो जाता है, जब बारिश होता है तो इसी गड्ढे में पानी भर जाता है, और पानी भरने की वजह से काफी परेशानी होता है। भोली खान, हसन बाजार में सड़क खराब है, इसके लिए आप क्या कहते हैं? बनना चाहिए, जा रहे हैं बाइक से दिक्कत नहीं हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है,
बहुत दिक्कत का हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं गिर भी जा रहे हैं, चोटिल भी हो जा रहे हैं। चोटिल भी हो जा रहे हैं जी, एकदम बिल्कुल मिलना चाहिए। हाँ। बहुत परेशानी है वहाँ से लेकर यहाँ तक, परेशानी हो रहा है बहुत ज़्यादा। पानी अभी तक आप पानी नहीं आए हैं, जहाँ जिस दिन पानी होगा उसी रहेगा, जिसका हालत देखिएगा बहुत बहुत बुरा तरह हो जाता है। पानी होने की वजह से और भी समस्या, बहुत बुरा तरह हो जाता है, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गणेश पासवान है। हाँ। मैं राष्ट्रीय जनता दल का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। क्या कह रहे हैं जो ये समस्या उत्पन्न हो रही है? यह है रोड पर चलना मुश्किल हो गई है, और मुख्य तौर पर यह हसन बाजार जो है 8 से 10 पंचायत का मार्केट है, और इतना ही नहीं यहाँ बिजनेस की अपार संभावनाएं है। जो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये ट्रक लगी हुई है जो धान के मुख्य व्यापार केंद्र है। हाँ। कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है। रोड बिगड़ जाने की वजह से यहाँ के व्यापारियों, यहाँ के आम जनता के लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही है। हम लोगों ने बार बार माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से आग्रह करते हैं, साथ ही यहाँ का स्थानीय सांसद महोदय श्री आर के सिंह से गुजारिश करते हैं हम लोग कि जितना जल्दी हो सके इस रोड को दुरुस्त किया जाए। हम लोगों ने सुना है कि माननीय सांसद महोदय यहाँ के बड़े विकास पुरुष हैं, तो क्या हसन बाजार उनके संसदीय क्षेत्र में नहीं है? मैं उनसे आग्रह करता हूँ और इस हसन बाजार इलाके के तमाम जनता की ओर से, ताकि हसन बाजार के दुख दर्द को सुने और इस सड़क को और इस अतिक्रमण, इस रोड को अतिक्रमण, जो दोनों तरफ अतिक्रमण हो रही है, मेरे बड़े भाई जिला जनता दल के जिला अध्यक्ष, किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रमोद भाई ने जो प्रस्ताव रखा, यह बड़े ही सुंदर प्रस्ताव रहा। हम इस प्रस्ताव को समर्थन करते हैं, साथ ही इन्होंने जो आंदोलन करने का राग आलापा, तो यहाँ के तमाम जनता इनके कदम से कदम मिला करके आंदोलन करने पर मजबूर होगी, नहीं तो हम लोग चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके इस हसन बाजार को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। साथ ही हसन बाजार थाना से उत्तर और दक्षिण की जितनी रोड खराब हुई है, मजबूती के साथ इनको निर्माण करने का कृपा प्रदान करें। काफ़ी आप लोग आगे जो है लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए? हाँ, अगर सरकार हम लोग की बात नहीं सुनेगी तो मजबूरन क्या हम लोग करेंगे। हम लोग का एक रास्ता है आंदोलन। हम लोग तो किसी के पास जाकर लाठी चलाएंगे नहीं, आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन करेंगे। उसके बाद जब नहीं सुनवाई होगी तो चक्का जाम करेंगे। जो हम लोग का मौलिक अधिकार है, हम लोग मौलिक अधिकार के साथ अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, फिर हम लोग की मांग नहीं सुनी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। देख सकते हैं हम हसन बाजार में हैं, जो कि भोजपुर जिले के अंतर्गत में आता है, पीरो ब्लॉक में आता है। और आपको बता देना चाहते हैं यहाँ के जो हसन बाजार में, जो हसन बाजार के जो सड़कें हैं, जो स्टेट हाईवे जो है एक जिले से दूसरे जिले को जो जोड़ती हैं, जो स्टेट हाईवे का हाल जो है कहीं ना कहीं तक बुरा हो गया है। और लोग जो हैं, लोग जब आते हैं यहाँ पर बाजार करने के लिए, और जो गाड़ी जो बाइक चलाते हैं या फिर जो और भी जो गाड़ियाँ हैं यहाँ से गुजरती हैं, तो काफ़ी कठिनाइयाँ होता है। और यहाँ पर जाम का भी समस्या उत्पन्न हो रहा है, बालू के ट्रक जब आते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से समस्याएँ जो है उत्पन्न हो रहा है। उसके लिए हसन बाजार और हसन बाजार के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं यहाँ पर आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। वैसे में आप क्या सोच रखते हैं हसन बाजार के जो स्टेट हाईवे जो ख़राब है, इसके लिए इस वीडियो को आप लोग देखते रहिए। परसुमित लाइव न्यूज़, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।